अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के सशक्तिकरण की आधार नीति को यथार्थ धरातल पर लाने का कार्य हमारी सरकार निरंतर कर रही है। केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा यह भी लक्ष्य है कि मदरसों में पारंपरिक जो शिक्षा है, जो धार्मिक शिक्षा है, उसके साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी पूरे वैज्ञानिक तरीके से दी जाए तथा मदरसों के छात्र छात्राएं मुख्य धारा में शामिल हो सके। इसी को ध्यान में रखकर के सरकार मदरसों में शिक्षा की नई तकनीकी एवं पाठ्यक्रम से जोड़ने का निरंतर प्रयास हमारी सरकार कर रही है। मदरसों में NCERT के पाठ्यक्रम लागू कर उनकी पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जा रही है। आधुनिक विषयों की शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। मदरसा पोर्टल बनाकर मदरसों की व्यवस्थाओं में पारदर्शिता लाई गई है तथा परीक्षा की समस्त कार्रवाई ऑनलाइन संचालित कराई जा रही है। सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर सबको आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है और सभी के साथ सामान्य भाव से और सबको साथ लेकर के जो चलने की नीति रीत रही है, आप सब यहाँ पर मदरसा और संस्था से बैठे हुए लोगों को भी मैं इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि पीछे आपने देखा करीब 15 साल से बंद पड़ा था अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम, जिसमें सपा की भी सरकार रही, बसपा की भी सरकार रही। इन लोगों ने आपका वोट लेने का काम किया, डरा करके रखा, उसमें वोट लेने का काम किया, लेकिन जब आपको देने की बात आई तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। चाहे वो आजम खां आपके मंत्री के रूप में रहे हों, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी मंत्री के रूप में रहे हों, लेकिन इन लोगों ने उसको आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। हमारे अधिकारीगण, मैं खुद माननीय मंत्री जी से मिलकर एक बार 20 करोड़ इस बार 21 करोड़ मिला है, पहले 10 करोड़ मिला, अभी 21 करोड़ मिला और ये पैसा बढ़ जाने के बाद अभी और मिलेगा जी। एक बेटी अपनी पढ़ाई के लिए, डॉक्टर बनने के लिए नकाबपोश बेटी थी लखनऊ में, उसको 8 लाख रुपए का लोन दे करके उसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कि उनके बच्चे जो मुस्लिम समाज के बच्चे हैं वो टायर पंचर की दुकान ही ना लगाएं, अलमारी पीटने का काम या स्कूटर के मिस्त्री तक सीमित न रह जाए। अगर